लोग कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मजे में ना? तो एक बात जिसका आपको, मुझको, हम सबको इंतजार था, वो घड़ी आ गई, आ गई, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर रिलीज कर दिया है कि कैसे एग्जाम्स लेंगे, क्या होगा, सारा कुछ बड़ा सा सर्कुलर रिलीज हुआ है। उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वो देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और एक बात और, जो लोग मुझे फेक बोल रहे थे वही सारी पॉइंट्स उस सर्कुलर में है, तो इससे प्रूव हो गया कि मैं फेक नहीं था। और आप लोगों ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा लगा, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर में क्या दिया फटाफट मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा सर्कुलर में क्या दिया हुआ है। तो पहली चीज ये है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के सर्कुलर ने पहला एक पॉइंट ये बोला है कि सारे कॉलेजेस को सर्वे करना है कि उनके कितने बच्चे ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग भी जानते बहुत सारी दिक्कत है, बहुत लोग के इधर नेटवर्क इशू है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम नहीं देते, कॉलेज को सर्वे करना है उन बच्चों का, जो भी डिटेल है वो यूनिवर्सिटी को देनी है, कितने बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। और जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि 13 मार्च तक जितना पोर्शन कॉलेज में सिखाया गया है उतने सिलेबस को ही प्रायोरिटीज देंगे, वैसे ही एग्जाम्स आएंगे। अब आगे दिया हुआ है कि जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह बचे हैं, प्रैक्टिकल्स वाइवा, वो कॉलेज को जूम या फिर गूगल मीट या स्काइप या फिर डिजिटल तरीके से लेना होगा, कब से? 25th जो है सितंबर से। और जो बैकलॉग के एग्जाम भी है वो भी 25th सितंबर से चालू हो जाएंगे, और जो रेगुलर एग्जाम्स है उनके एग्जाम्स 1st अक्टूबर से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक अपडेट। और आगे जो पॉइंट्स दिया हुआ है, आगे ये पॉइंट्स दिया हुआ है कि आपका जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक था, जी हाँ वो करेक्ट निकला रिव्यूज, एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक जो है रिलीज करेंगे फैकल्टीज को, यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज को बोल दिया गया कि एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक रिलीज करेंगे, और वो क्वेश्चन बैंक से एक पेपर सेट बनाएंगे कि उस पर बोल सकते हैं उसका प्रैक्टिस सेट के लिए, राइट। और एक और चीज, ये भी संभावना उठकर आ रही है कि जो पेपर होंगे वो शायद सेट्स में हो सकते हैं, शायद, हाँ कंफर्म नहीं है ये, उसमें ऐसा कुछ नोटिस नहीं गया, बट ऐसा एक अंदाजा मिल रहा है कि उसमें हो सकते हैं सेट्स में होंगे पेपर, ठीक है। एक ये था। और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा उसे सॉल्व करने के लिए। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात बोला है कि जो स्पेशल चाइल्ड्स है उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मीन्स 1 आवर प्लस 20 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और एक और चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है, वो है कि आपका जैसे अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग पैटर्न होता है, किसी का 60-40 पैटर्न होता है, किसी का 75-25, 80-20, 100 ऐसा पैटर्न होता है। तो हमारा एमसीक्यू तो 50 मार्क्स के हम पेपर देंगे, लेकिन जिसका 60-40 पैटर्न है उसके 50 मार्क्स को 60 में कन्वर्ट किया जाएगा और उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। जिसका 75-25 पैटर्न है उसके 50 मार्क्स के एमसीक्यू को 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके मार्क्स भी 75 के हिसाब से दिया जाएगा। सेम 80-20 के लिए भी उसके 50 मार्क्स को 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे जो दिया जाएगा। 100 के लिए 50 को 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। और एक और जो बात इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल गए कि आप रिवैल्यूएशन में नहीं डाल सकते इसे, आपका जो ऑनलाइन दे रहे हो उसे रिटर्न रिवॉल्यूशन में नहीं डाल सकते आप। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल कर आई है। तो गाइज ये था इस सर्कुलर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको इस पर मुंबई यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर न्यूज पर मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट देता रहा, और मैंने पहले जो वीडियो डाले वो भी इंफॉर्मेशन सही थे, तो मैं इस पर आपको कंटिन्यूस अपडेट देता रहा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे और भी कुछ अपडेट आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बैंक के कुछ अपडेट आएंगे कि कब रिलीज होगा, कब क्या क्या रिलीज है, तो मैं उस पर भी आपको अपडेट दूंगा। उस अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।